दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दाविक्ट्री ज्ञान पर। दोस्तों जैसा कि आपने कमेंट करके बताया था कि बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग से इनवाइट कैसे करें, उसके बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों आज मैं जो ऑडियो बुक लाया हूँ इसी के ऊपर लाया हूँ कि इनवाइट कैसे करें। तो चलिए आज की ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के बाद आमंत्रण ही एकमात्र कौशल है जो आपके द्वारा किया जाना है और आप इसे मास्टर करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ आपकी अपलाइन द्वारा संभाला जा सकता है। हर कोई एक पेशेवर आविष्कारक है, क्योंकि आपने विवाह कार्य, जन्मदिन की पार्टियों और अन्य घटनाओं के लिए लोगों को कई बार आमंत्रित किया है। आपने पहले ही अपने जीवन में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है। हम निमंत्रण को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें इसे जल्दी और कुशलता से सीखना है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं उनमें से अधिकतर आमंत्रित करते समय खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करने का प्रयास करते हैं, इसलिए जब वह बात करते हैं उदाहरण के लिए तो उनका दोस्त उन सभी पेशेवर शब्दों को सुनता है और उसे लगता है आप नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कुछ पर चर्चा कर सकते हैं। यह अजनबियों के साथ भी सच है। जब आप यह दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं तो आप खराब हो जाते हैं और जिसमें पता चलता है कि आप पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं रखते हैं। आप पहले से ही उन लोगों की सूची बना चुके हैं जिन्हें आप जानते हैं। अब सीखेंगे कि आमंत्रण के लिए इसका उपयोग कैसे करें। नंबर एक, वार्तालाप शुरू करने के लिए पिछले वार्तालाप का इस्तेमाल करें। मतलब पिछली बार हमने क्या बातचीत की थी उसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखें उस व्यक्ति के साथ आप किस बातचीत में थे। याद रखें उत्तेजना कुंजी है। जब आप उससे बात करते हैं तो अपने उत्साह को स्थानांतरित करें। इसमें उनके जोखिम का खतरा कम हो जाएगा कि आप उन्हें MLM के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। नंबर दो, प्रशंसा करें। याद रखें मनुष्य हमेशा प्रशंसा की तलाश करते हैं। आप एक समारोह में जाते हैं और अच्छी तरह तैयार होकर जाते हैं। अवचेतन रूप से आप चाहते हैं कि कोई आपके कपड़ों की सराहना करे या तारीफ करे। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में शीर्ष नेताओं को प्रेरित करने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डाउनलाइन की लगातार सराहना करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। नंबर तीन, उपयुक्त दृष्टिकोण का प्रयोग करें। हम इसके बारे में तीन प्रकार के दृष्टिकोणों में इसके बारे में जानेंगे। नंबर चार, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लंबे निमंत्रण से बचें। लोग प्रेजेंटेशन और निमंत्रण मिश्रण करते हैं, मिक्स करते हैं। जब आप फोन पर लोगों को आमंत्रित कर रहे हो तो आप शादी के सभी विवरण नहीं देते हैं। बिंदु पर चिपके रहें और बाद में विवरण छोड़ दें। आप तीन तरह से लोगों को आमंत्रित करेंगे। हेड ऑन दृष्टिकोण, यह है वहाँ काम में लिया जाता है जिन लोगों के साथ आपके मजबूत रिश्ते हैं, जिनके साथ आप नियमित रूप से बात करते हैं। वह आपके सबसे अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, चचेरे भाई इत्यादि हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उन्हें बुलाते हैं और बात वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने पिछली बार बात छोड़ी थी। प्रशंसा के साथ जारी रखें और अब आप हेड ऑन दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आपके पास एक व्यावसायिक योजना है जिसे आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। उनका जवाब सबसे सकारात्मक होगा क्योंकि वह आपके बहुत करीब है। आपकी बस एक उपयुक्त समय देखकर उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। जिग जैग दृष्टिकोण, यह उन लोगों के साथ अच्छी तरह काम करता है जो अनुभव, आयु आदि से बेहतर हैं। आप उनकी राय ले सकते हैं और इस तरह उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपने शिक्षक से संपर्क करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। चूंकि उनके पास इस विषय पर अधिक अनुभव और ज्ञान है, इसलिए मुझे आपके मार्गदर्शन और सुझावों की आवश्यकता है। अगर वो इसके बारे में अधिक जानकारी मांगते हैं तो उन्हें बताएं कि आपके पास इसके बारे में थोड़ा ज्ञान है और यदि वे आपके साथ इस कार्यक्रम में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बुमेरांग दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण अवचेतन रूप से काम करता है। जब आप किसी से ऐसे लोगों को
सुझाव देने के लिए कहते हैं जो आप पेश कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति खुद का नाम बताने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पता है जो 15 से 20 हज़ार कमाता है, तो कृपया उन्हें मेरा सुझाव दें। वे सबसे अच्छा तरीका है, वे आपसे पूछेंगे कि मेरी भी इसमें रुचि है, मैं भी कमाना चाहता हूँ। आप उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुला सकते हैं, और यदि वो अधिक जानकारी मांगते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमें इसके बारे में विस्तार से पता चलेगा। याद रखिए, जब आप किसी चीज़ के प्रति उत्साहित होते हैं तो आप आत्मविश्वास में दूसरे व्यक्ति को भी ले लेते हैं। आप जो पेशकश कर रहे हैं वह याद करने के लिए बहुत अच्छा है। ऊर्जावान बनो, अपनी पेशकश के बारे में बहुत अच्छा महसूस करो। जब आप आमंत्रित कर रहे हो तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कुछ अद्भुत होना चाहिए। नंबर 3, फिट सिद्धांत। जो भी आपके 3 फुट सर्कल में आता है, बस उनसे बात करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक संख्या गेम है। जिन लोगों से आप बात करते हैं, अधिक लोग ग्राहक में परिवर्तित हो जाएंगे और आप जितना चाहे उतना कमाई कर सकते हैं। याद रखें, जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक कुछ भी काम नहीं करता है। व्यक्तित्व के आधार पर आमंत्रण। हम इस सबक में कुछ खास सीखेंगे। 4 रंग के व्यक्तित्व के बारे में जानने में आपको मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। आपके आसपास के लोगों को मूल रूप से 4 प्रकार के रंग व्यक्तित्व में विभाजित किया गया है। पीला रंग, हरा रंग और नीला और लाल। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप बहुत से लोगों की भर्ती करना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा कि विविध प्रकार के व्यक्तित्व को कैसे आमंत्रित किया जाए, क्योंकि ये 4 रंग आपके द्वारा कहने वाले शब्दों के प्रति दृष्टिकोण, मानसिकता और प्रतिक्रिया में भिन्न होते हैं। आइए इन रंग व्यक्तित्व के बारे में सीखें। पीला, यह मदद करने वाले लोग हैं और उनकी प्रकृति दूसरों की मदद करता है। आमतौर पर माताओं, शिक्षकों, चिकित्सक, सलाहकार इत्यादि श्रेणी में आते हैं। एक कार्यक्रम में निमंत्रण के लिए जब आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी कंपनी लोगों को अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है, आप पहले से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह इस कार्यक्रम में भाग लें और जाने कि कैसे हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हरा रंग, यह वह लोग हैं जो किसी भी फैसले पर आने से पहले हमेशा जानकारी लेते हैं। यह विश्लेषणात्मक होते हैं और आगे बढ़ने से पहले सोचते हैं। उन्हें बताएं कि हमें उनकी राय चाहिए, क्योंकि चीज़ों का विश्लेषण करने के उनके कौशल अच्छे हैं। आमतौर पर लेखाकार, तकनीकी लोग इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। नीला रंग, फन पार्टी टाइप जोली व्यक्तित्व प्रकार के लोग नीले रंग के होते हैं। वे चाहते हैं कि मस्ती करें और आनंद लें, हालांकि वे फॉलोअप करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। आप उन्हें बताकर उनसे संपर्क कर सकते हैं कि पास के स्थान पर एक रोमांचक घटना है जहां बहुत से लोग दिखाई देंगे और जहां वे सीख सकते हैं कि दुनिया की यात्रा कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं। लाल रंग, मनी माइंडेड, स्वयं घोषित नेता, अहंकारी, प्रभुत्व की तलाश करने वाले लोग लाल प्रकार के होते हैं। यह लोग पैसे से प्रेरित होते हैं और उन्हें उत्सुक करने के लिए पैसे और भौतिकवादी चीज़ों के बारे में बताना है। उन्हें घटना के बारे में बताएं, उन्हें सूचित करें कि वे सीखेंगे कि हर महीने 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। ऐसे लोगों की एक और विशेषता यह है कि वह प्रशंसा प्राप्त करना पसंद करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा यह चुनौतियों से प्यार करते हैं, उनकी प्रशंसा करें और वह खुद कितना अच्छा आचरण करते हैं और उनकी दूसरों से तुलना करें और उन्हें बताएं कि वह खुद के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग किस रंग में है? आप इन 3 प्रश्नों से पता कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आप क्या करते हैं? नंबर 2, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? नंबर 3, आप खाली स्थान के बारे में क्या सोचते हैं? बस आप जानते हैं कि आप अपनी प्रोस्पेक्ट को आसान बनाने के लिए रंगों के आधार पर लोगों को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं।